हाँ तो दिस विल बी अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना. क्या लिखा है, f डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी इज मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर फॉर ऑल x, एंड वी हैव टू प्रूव f डॉट 0 इज 0. तो स्टार्ट करते हैं हम इसको. तो देखना, तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, मैंने बोला कि अगर कोई इनइक्वालिटी है क्या मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं. एक बार सोचो, मैंने बोला कोई इनइक्वालिटी है, कैन आई डिफरेंशिएट द इनइक्वालिटी, तो आंसर मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्या आता है मेरा, डिफरेंशिएशन से तो स्लोप आता है ना. तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो ग्राफ नीचे हो उसका स्लोप भी कम हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लेट से ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है. जैसे लेट से इस इंटरवल की बात कर रहा हूं 0 to 1, और एक मेरा ये ऐसा कर्व है, ठीक है. लेट से दिस इज माई एफ, दिस इज माई जी, ठीक है. अब मैंने बोला कि f इज ग्रेटर देन g, बट अगर मैंने इस डायग्राम के हिसाब से मैं बोल सकता हूं फॉर दिस इंटरवल 0 to 1 f इज ग्रेटर देन g, बट क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं इसके हिसाब से? नहीं, क्योंकि f का स्लोप देख रहे हो, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. हेंस इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आया, f डैश इज लेस देन g डैश. अगर मैंने मान लो ग्राफ ऐसा बनाया, लेट से मैंने इसको g बोला और इसको f बोला, तो मेरा लेट से इसको f बोला एंड इसको g बोला, अभी मेरा क्या है, f इज ग्रेटर देन g फॉर दिस इंटरवल, लेट से ये 0 to 1, और इसमें मेरा आ रहा है f डैश ग्रेटर देन g डैश आ रहा है. इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट एट f दैट विल मेक मोर एंगल, मोर एक्यूट एंगल देन कंपेयर टू g. तो देखो इसका मतलब दोनों से कंक्लूजन क्या निकला कि हम इनइक्वालिटी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो f डैश निकालने के लिए हम इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहली बात तो, ठीक है. तो इसको ऐसे नोट करके भी लिख सकते हो तुम इफ यू वांट टू राइट कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द इनइक्वालिटी. तो करें क्या, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है f डैश निकालने का, फर्स्ट प्रिंसिपल. डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे. तो मैंने बोला पहले f डैश 0 का एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिर वो एक्सप्रेशन हम यहां से लाने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कुछ करेंगे कैसे करके वी विल राइट. तो अब मैंने कहा पहले तो हम f डैश 0 का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f 0 अपॉन x माइनस 0, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अब मैंने बोला इधर एफ एक्स माइनस एफ 0 दिख तो नहीं रहा है, बट अब हम जनरेट करेंगे कैसे. सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है, इधर एक तो एफ 0 की जरूरत है, तो वो मैं इधर से निकाल रहा हूं. देखो इसने बोला ये इनइक्वालिटी हर एक एक्स के लिए ट्रू है, तो ऑफकोर्स 0 के लिए भी ट्रू होगा, तो मैंने 0 रख दिया. तो इधर से क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 0. अब देखना इधर से एफ 0 की वैल्यू आ जाएगी हमारी. उसने बोला किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड 0 से कम है, 0 या 0 से कम है, तो मॉड है तो 0 से कम तो हो नहीं सकता. तो इसका एक ही सॉल्यूशन आता है क्या, कि fx शुड बी 0, सॉरी f ऑफ 0 शुड बी 0. दिस इंप्लाइज f ऑफ 0 शुड बी 0. क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, मॉड है. तो f 0 मिल गया मुझे. अब चलो इस पे आते हैं. अब मैंने क्या बोला, इस वाले एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी को मैं इस टर्म में लिखने का सोच रहा हूं. तो fx माइनस f 0 था इधर, लेकिन fx है, तो मैं उस fx को ऐसे लिख सकता हूं, fx माइनस 0 ऐसे लिख लिया, लेस देन इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं, 0 ऐड किया, 0 तो कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इस 0 की जगह मैंने ये f ऑफ 0 पटक दिया यहां. तो देखो मेरा इस टाइप की चीज जनरेट हो गई. तो ये हो गया fx माइनस f 0. अब नीचे किसकी कमी है, नीचे किसकी कमी है, x माइनस 0 की कमी है. तो क्या किया, देखो दोनों तरफ एक काम करो, नहीं तो ऐसा लिख लो इसको, लेस देन इक्वल्स टू. अब इतना पता है कि हमें x स्क्वायर को तो मैं कभी भी ऐसे लिख सकता हूं मॉड x का स्क्वायर, ठीक है, और इवन ऑड वाले को नहीं, बट इवन वाले को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं. तो x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, मॉड ऑफ x की पावर 4 प्लस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x की पावर 2. क्लियर है. अब मैंने क्या किया, अभी मुझे इधर x माइनस 0 की कमी है, इधर से एक मॉड x उठा के इधर लेके आ गया, ठीक है ना, पॉजिटिव लेके आ रहा हूं, मॉड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देखो इधर से मॉड x एक उठा के लेके आया, ये हो गया मॉड ऑफ fx माइनस f0, और इसके साथ मॉड के साथ क्लब करके लिख दिया इसको, तो नीचे हो जाएगा x माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू मॉड x की पावर 3 प्लस 5 मॉड x. देखो क्लियर है कि नहीं.
अब मैं ध्यान से देखूं, अब मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए इधर, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, दिस शुड बी, मतलब ये प्रूव करना है दिस इज जीरो. अब क्या करूं मैं, ऑब्वियसली बात है, आई विल टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड एक्सटेंड्स टू जीरो, तो क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो मॉड एक्स का क्यूब प्लस फाइव मॉड एक्स. क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला ये जो फंक्शन, ये तो जैसे मेरा ये तो एक एफ एक्स का फंक्शन लिखा है अंदर, क्या मैं लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं? तो कंपोजिट फंक्शन की उस पर आओ, अपना क्या लिमिट कैसे निकालते थे कंपोजिट फंक्शन में, लिमिट को अंदर लेके जाते थे, तो कंडीशन क्या होती थी, अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. अब अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हो, बाहर जो है वो मॉड फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस, तो आई कैन टेक द लिमिट इनसाइड. तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, तुम कॉपी कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है ना, पॉज करके अभी कॉपी कर लेना. हाँ चलो इतना पार्ट पूरा रब करते हैं. तो देखो अब मैं लिमिट को अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू. अब ये तो बहुत सिंपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे जा रहा है, तो ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, तो ओवरऑल जीरो को जाएगा, इसलिए उसकी लिमिट क्या होगी, जीरो. और अब ध्यान से देखो ये चीज हमारी क्या बन गई, एफ डैश जीरो, वही तो बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो ये हो गया मॉड ऑफ एफ डैश जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो. अब वही चीज, मॉड किसी क्वांटिटी का मॉड नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हाँ फिर क्या बचा ऑप्शन, इक्वल टू ओनली. तो क्या हो गया हमारा फाइनली, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन जेई स्पेशली मेंस में तो नहीं, एडवांस में बहुत बार पूछे गए इस टाइप के, ठीक है ना. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है ना, कभी भी हम मतलब दिमाग में बिठा लो कि कभी भी डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास एक तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन वाला पहले से पता था हमें, ठीक है ना, जब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ. अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल वाला भी एक टूल है, मतलब एफ डैश कहीं दिया है तो वी कैन थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑल्सो. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो सिमिलर कैटेगरी का है ये, तुम लोगों को करना है, ठीक है ना. पहले पॉज करके तो मैं लिख ले रहा हूं क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर फाइव फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर then prove that fx is a constant function then prove that fx is a constant function. ठीक है, तो चलो वीडियो पॉज करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो. पहले तो ये देखो कि fx is equal to constant, इसको प्रूफ करना, ये तो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, पहले इसका मैथमेटिकल वर्जन लिखो और फिर प्रूफ करना चालू करो. ठीक है, फिर प्रूफ करना चालू करो. तो मैंने बोला जो प्रूफ करना है उसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो मुझे क्या प्रूफ करना है अल्टीमेटली, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस आई नीड टू प्रूफ. अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो क्या हो जाएगा, मैंने एक्स लिखा है ना, जनरलाइज किया है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो है, मतलब वो फंक्शन कॉन्स्टेंट हो गया. तो इसका मतलब मुझे अगेन ये चीज जनरेट करनी है एफ डैश एक्स. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला कि ये जनरेट करने के लिए मेरे पास इनइक्वालिटी है. ठीक है, और वैसे देख के भी फील आ रही है कि ये उस टाइप की चीज आ रही है, एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए टाइप की चीज आ रही है. ठीक है, तो क्या किया, इसको पहले तो तुम अगेन इसका एक्सप्रेशन लिख लो, एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा वो लिख लो इधर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या हो गया ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई. अब उधर से एक मॉड नीचे उठा के ले आया और उसको इस मॉड के साथ लिख दिया, तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये पूरा मॉड आ गया, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर फोर. करेक्ट है, जो चीज ये लिखी है वही ये लिखी है. ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला क्या करें, हम लिमिट लेना है, लिमिट लेना है,
सो दैट ये मेरा एफ डैश एक्स कन्वर्ट हो जाए, ऐसा क्या लू मैं? देखो आप सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए होता था, तो ये मेरा क्या चीज होती थी? दिस इज वॉट एफ डैश ए। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लगता है इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने बोला अगर x टेंड्स टू a है सो दिस विल बी माय f डैश a। तो इधर x है इधर a है, वेरिएबल क्या है मेरा? x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, तो मेरा कन्वर्ट किसमें हो रहा है? f डैश a में। मैं इधर क्या लिमिट लू, क्या लिमिट लू सो दैट ये लिखा हो जाए, इधर f डैश a की जगह f डैश x आ जाए। तो मैं एक काम करता हूं, उल्टा लिख देता हूं इसको, मैं लिख रहा हूं इधर f a, मैंने लिखा a, इधर एफ एक्स, सॉरी इधर एफ एक्स, इधर ए माइनस एक्स, और इधर मैं ए टेंड्स टू एक्स कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, समझ लो ऐसे लिख रहा हूं, तो ये मेरा किस में आ जाएगा? एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ए को मैं इधर वाई बोल देता हूं। तो देखो इसको तो हम ऊपर नीचे माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं, एफ वाई माइनस एफ एक्स, एफ वाई माइनस एफ एक्स। तुम अगले स्टेप में लिखना, दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स। अब मैं लगा रहा हूं, देखना ध्यान से, टेकिंग लिमिट वाई टेंड्स टू x on both the side, limit y tends to x। अब देखो ध्यान से, अगेन इसको अंदर लेके जा सकता हूं बिकॉज मॉड इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जब मैं y tends to x करूंगा सो ये रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा? अगर y x को जा रहा है तो दिस विल बी माय f डैश x। पहले अगले स्टेप में क्या करो, तुम इस लिमिट को अंदर लेके जाओ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये हो जाएगा मेरा f डैश x लेस देन इक्वल्स टू। अब मैंने बोला इधर अगर y x को जाएगा तो मेरा ये कहां जाएगा? ऑफ कोर्स जीरो को, तो ये हो गया जीरो। तो अगेन आप वही चीज सेम जैसे पहले आई थी कि मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा? जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो, हेंस एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का था, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना, बल्कि ये ज्यादा आसान था क्योंकि इसको हम रीड कर पा रहे थे उधर से ही कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए टाइप की चीज आ रही है, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जेई, मतलब आया टाइप का कैसा है, जेई का ही क्वेश्चन है ये। लेट P of x is equal to a naught plus a1 x plus a2 x square plus and so on dot dot dash up to an x की पावर n, ठीक है, और एक दे रखा है and it satisfies mod of P of x is less than equals to mod of e की पावर x minus one for all x, then we have to prove that mod of a1 plus 2a2 plus 3a3 plus and so on up to n times an is less than equals to 1. ये तुम लोगों को प्रूफ करना है, तो करो स्टार्ट करो तुम लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, जस्ट स्टार्ट, और कीपिंग दैट इन माइंड कि जो अभी हमने देखा उसी के बेसिस पे है ये कुछ, तो ठीक है ना। देखो इनइक्वालिटी टाइप की चीज दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा ये पहचानना, सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज ये चीज पहचानना, ठीक है, किसकी मदद से? px की मदद से। अच्छा अब मैंने बोला जैसे ये चीज कैसे आएगी, और अभी के लिए नहीं आगे भी जाके डिफरेंशिएशन वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। तो देखो a2 के आगे 2a, a3 के आगे 3a, ये चीज याद करो हम बाइनोमियल में यूज किए थे, बाइनोमियल में इस टाइप की चीज यूज किए थे हम, ठीक है ना, जब मैंने बोला था फाइंडिंग सीरीज सम का सीरीज यूजिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उस टाइम भी आई थी। तो इधर a2 के आगे 2 चाहिए, a3 के आगे 3 चाहिए, कब आएगा व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस। तो मैंने तो बेसिकली जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा व्हाट विल बी p डैश x, दिस विल बी a1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर एंड सो ऑन, आखिरी में इधर आ जाएगा n a n x की पावर n माइनस 1। अब ये चीज लाने के लिए मैं क्या करूं, x को 1 डाल देता हूं उसमें, x को 1 डालूंगा तो a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 यही चीज आ जाएगी। तो बेसिकली हमारा टू प्रूफ जो है वो क्या है, मॉड ऑफ p डैश 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हमें एक्चुअली प्रूफ करना है। तो ये हमारा पहला काम था इस बार, ठीक है ना, पहचानना कि ये है क्या, बेसिकली क्लियर है यहां तक।
चलो अब पी डैश वन को हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इससे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करें आप देखो, मैंने बोला इससे पहले मैंने पी डैश वन एक साइड से फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा, इट इज व्हाट लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स वन पी एक्स माइनस पी वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्लियर है यहां तक। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यूज करके, अब इधर पी वन है बट इधर तो पी वन नहीं है मेरा, तो पहले मेरे को पी वन देखना पड़ेगा आ क्या रहा है। तो निकाले कैसे पी वन, ऑफकोर्स एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यही दे रखा है तो ऑफकोर्स इसी का यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले में x इज इक्वल टू वन डाला, तो मॉड ऑफ पी वन इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर वन माइनस वन जीरो माइनस वन, तो आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो। तो सेम चीज सेम कहानी, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू जीरो है तो क्या होना चाहिए, अंदर की क्वांटिटी को जीरो ही होना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है मॉड ऑफ समथिंग, तो दैट मींस पी वन हैज टू बी जीरो। तो अच्छी बात है, फिर तो हम इधर इधर लिखा है माइनस में जीरो साइड में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मॉड इस वाले में, सॉरी मॉड ऑफ पी एक्स माइनस जीरो लिखा और उस जीरो को मैंने पी वन लिख लिया, क्लियर है। लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, इधर मुझे किसकी कमी है अभी x माइनस वन की, तो दोनों साइड एक मॉड ऑफ x माइनस वन से डिवाइड किया, तो डिवाइडिंग विद ऑन बोथ द साइड विद मॉड ऑफ x माइनस वन, एंड ऑफ कोर्स अब क्या करें हम लिमिट ले लो x टेंड्स टू वन पे। तो एक काम करो, इस मॉड को भी हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस मॉड को भी हम एक साथ लिख लेते हैं। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन लिमिट x टेंड्स टू वन ऑन बोथ द साइड, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन और इधर भी आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, लिमिट तो ले ही सकते हैं। अब ये लिमिट को अंदर लेके चले जाते हैं, पहले तो इस मॉड को एक लिख लिया सिंगल मॉड में, ठीक है, और फिर इस लिमिट को अंदर लेके गए। मैं एक ही स्टेप में करते जा रहा हूं, तुम लोगों को अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। इस लिमिट को भी अंदर लेके गए मान लिया हमने, तो ये तो मेरा क्या हो गया वही पी डैश वन, तो ये तो लिखा है मॉड ऑफ पी डैश वन लेस देन इक्वल टू, अब देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, something is tending towards zero because x अगर 1 को जाएगा तो x minus 1 zero को जाएगा, so this is what 1, तो mod of p dash 1 is less than equals to 1, hence proof। तीनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के थे, ठीक है ना, अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बनना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम एक थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, लेट एफ डैश थ्री इज इक्वल टू फाइव, लेट एफ डैश थ्री इज इक्वल टू फाइव। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले ना एक बार मैं वो प्रूफ करा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइप की चीज इन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना अभी जो मैं कराने वाला हूं उनमें यूज होने वाली है थोड़ी सी, ठीक है। कौन सा मैं थ्योरम टू का प्रूफ बोल रहा हूं, ठीक है ना, कल मैं भूल गया था तो एस्केप कर दिया था मेरा, मतलब भूल गया था मैं, तो थ्योरम टू का प्रूफ, ठीक है ना। तो था क्या, पहले हम वो लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं बस शॉर्ट में बता रहा हूं, क्या था f इंटू g था, दो फंक्शन थे, लेट से दिस इज h, ये था मेरा कॉन्टिन्यूस प्लस डिफरेंशियबल, g मेरा था कॉन्टिन्यूस बट नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। देन वी हैव टू कमेंट ऑन h, मतलब प्रोडक्ट फंक्शन पे, तो क्या बोला था h विल बी डिफरेंशियबल इफ f ऑफ, लेट से हम x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ f ऑफ a इज जीरो एंड दिस विल बी नॉन डिफरेंशियबल इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस चीज का प्रूफ देना है। तो फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है, तो इसको मैथमेटिकली पहले मैं लिख लेता हूं, लेट्स से ए की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, इसका मतलब वही हुआ अगर डिफरेंशियबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स दिस शुड बी इक्वल टू जी ऑफ ए, ये कंटिन्यूटी के लिए हो गया बिकॉज जी एक्स इज कंटिन्यूटी, जी एक्स कंटिन्यूस है तो मैंने मैथमेटिकल रिलेशन लिख लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एफ एक्स डिफरेंशियबल है तो मैंने ये लिख लिया कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। अब इन दोनों का फैक्ट मैं यूज करूंगा, अच्छा अब मुझे कमेंट किस पे करना है, एच की डिफरेंशियबिलिटी पे, तो अब इन एच का मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। एक सेकेंड सॉरी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एक्स इज इक्वल टू ए पे एच की, तो क्या लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एच एक्स माइनस एच ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो डिफरेंशियबल होगा, नहीं एग्जिस्ट किया तो नहीं डिफरेंशियबल होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? अपना इन दोनों कंडीशन एफ ऑफ ए पे, वो हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब हम एच ऑफ एक्स रख देते हैं, तो लिमिट इधर लिख लेता हूं थोड़ा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, हो गया एच एक्स की जगह हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, एच एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अच्छा माइनस एच ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब देख लेते कौन सा फॉर्म है, अफकोर्स जीरो बाय जीरो है, ये एफ ए जाएगा जी जी ए को जाएगा, इसलिए एफ ए माइनस ये न्यूमरेटर कहां जा रहा है, जीरो को, डिनोमिनेटर जीरो को जा ही रहा है, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या किया देखो ध्यान से सुनना, मुझे ये चीज जनरेट करनी, कीपिंग दैट इन माइंड कि आई हैव टू जनरेट दिस थिंग, ठीक है। इधर सुनना एक मिनट, हाँ कीपिंग की मुझे ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, मैंने क्या किया दो टर्म, एक दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। क्या आया वो टर्म देखो क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस माइनस एफ ए इंटू जी एक्स प्लस एफ ए इंटू जी एक्स। अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ऐसा ही क्यों किया, यही टर्म क्यों किया, तो रीजन इज मैंने अभी बोला ना हमको ये चीज जनरेट करना है, मुझे इस फैक्ट का यूज करना है मुझे अभी, तो देखो इन दोनों को क्लब करूंगा तो वही चीज बनेगी, इन दोनों में से जी एक्स कॉमन लूंगा तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव रिटर्न दैट थिंग। और इन दोनों से क्या बन जाएगा, एफ ए कॉमन ले लोगों तो जी एक्स माइनस जी अपॉन एक्स माइनस से जी डैश बन जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो तो मैंने बोला इसको अब करते हैं, तो क्लबिंग फर्स्ट एंड दिस टर्म दिस टू टर्म्स, तो क्या आएगा मेरा जी एक्स कॉमन लिया तो इधर क्या आया देखो ध्यान से, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स ए, और दूसरा वाला क्या बनेगा, इन इन दोनों में से मैंने माइनस जी एक्स, हाँ एक सेकेंड, माइनस एफ ए कॉमन लिया माइनस एफ ए, तो देखो क्या बनेगा इधर से जी ए, अच्छा एक मिनट ठीक है, माइनस एफ सॉरी जी ए माइनस जी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, देख लो एक बार चेक कर लो, या फिर एफ ए कॉमन ले लो तो जी एक्स माइनस जी ए बन जाएगा, प्लस एफ ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा जी एक्स माइनस जी ए, ठीक है जी एक्स माइनस जी ऑफ ए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब कोई बोलेगा क्या मैं इसको लिमिट को इधर सेपरेटली लिख सकता हूं दोनों में, तो आंसर मिलेगा यस, द रीजन इज ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक पार्ट है एडिशन का, एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज जी एक्स तो कंटिन्यूस है तो ये तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है तो ओवरऑल ये टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई कैन सेपरेट द लिमिट, तो मैं इधर लिमिट अलग लिख रहा हूं और इधर लिमिट अलग लिख रहा हूं, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड से इधर लिखना है वो तुमको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब शायद क्लिक कर गया होगा, देखो ये तो मेरा एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है ना, ये कहता हो गया एफ डैश ए के बराबर, ये मेरा जी एक्स लिखा है तो ये एक्स टेंड्स टू ए पे ये कितना हो गया, चलो मैं इधर इस साइड लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए प्लस, देखो ये टर्म लिखा मैंने, ठीक है जी ऑफ ए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे मैंने ये दोनों फैक्ट यूज कर लिए हम, जी एक्स कहां जाएगा जी ए को, बिकॉज जी कंटी जी ए कंटिन्यूस है, और ये जो चीज है वो मेरी एफ डैश ए को जाएगी बिकॉज एफ एक्स डिफरेंशियबल है। अब देखो इस पे डिपेंडेंसी आ गई एफ ऑफ ए पे, अब कुछ सोचो कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशियबल है जी एक्स, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अब इधर से मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, चलो पहले एक बार इधर और लिख लेता हूं मैं, देखो इधर दोबारा लिख लेता हूं, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स ए एफ ऑफ ए इंटू जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब मैंने बोला ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट एग्जिस्ट नहीं करके भी ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशियबल हो सकता है, कैसे, ये फैक्टर इधर है ना एफ ऑफ ए के कारण, मैंने बोला अगर इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो है, अब एग्जैक्ट जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा एच डैश आ गया ये,
अगर एफ ऑफ ए नॉन जीरो आ गई, इफ एफ ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो इनटू समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? तो इधर से हमारा ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ ए अगर जीरो होगा तब हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। तो लिख लो इधर कि इफ एफ ऑफ ए इज जीरो देन सेकंड पार्ट ऑफ दिस लिमिट इज जीरो, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। इफ एफ ऑफ ए इज नॉन जीरो देन सेकंड पार्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस नॉन डिफरेंशियबल। क्लियर हुआ? सो ये याद रखना, कीपिंग ये वाला एडिशन और सबट्रैक्ट जो किया ना टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये चीज यूज होने वाली है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्यूशन को कॉपी कर लो। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट डिफरेंशिएबिलिटी, और कल से हम डिफरेंशिएशन चालू करने वाले हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी की एक डीपीपी जो थी जिसमें मैंने कंटिन्यूटी साथ में थी, उसमें एक ही डीपीपी है डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है ना, डीपीपी नंबर 5, तो दैट यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है ना, पता चल जाएगा कितना आया कितना नहीं आया हमको डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो उसने लिखा है क्वेश्चन इज लेट f dash 3 is equal to 5, then calculate, अच्छा नहीं ये काम करो, इसको बाद में लिखो, पहले दूसरा बोलता हूं मैं। मैंने कहा let fx and gx are two differentiable function, at x is equal to 2, ठीक है, और दे रखा है देन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लिमिट, और लिमिट लिख रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इंटू जी टू माइनस जी एक्स इंटू एफ टू अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, और ये और लिख लो, चलो f2 is a, f dash 2 is b, g2 is c और g dash 2 is d, ऐसे लिख लो, सो दैट हमारा आंसर abcd के टर्म्स में आना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ abcd। ठीक है, तो क्या करो, वीडियो पॉज करो एक बार, तुम लोग ट्राई करो कुछ। अब उसी टाइप का फील आना चाहिए कि मुझे ये जनरेट करना है, जैसे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, तभी तो मैं यूज कर पाऊंगा ये लिमिट एफ डैश टू एफ जी डैश टू। तो कीपिंग दैट इन माइंड जो मैंने अभी बताया था तुमको, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें इसमें। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका काम खत्म कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। डिनोमीटर फालतू इतना बड़ा बल्कि रखने का कोई मतलब नहीं है। ई की पावर समथिंग माइनस 1 समथिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, बस समथिंग जीरो को जाना चाहिए। तो x टेंड्स टू 2 पे e की पावर कहां जा रहा है, जीरो को जा रहा है, तो आई कैन रिप्लेस विद x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको पूरा को हटा के x स्क्वायर माइनस 4 लिख रहे हैं, उसमें भी मैं x माइनस 2 लिख रहा हूं। x प्लस 2 तो क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे 1/4 है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो x प्लस 2 को इधर 4 लिख दिया, तो वो 4 मेरा यहां आ गया 1/4। क्लियर हुआ क्या किया? ठीक है ना, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, x प्लस 2 वाला प्रोडक्ट में है और वो कांस्टेंट, एक नॉन जीरो कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया। चलो अब मैंने बोला इस पे आते हैं। अब क्या किया हमने, देखो 1/4 तो बाहर लिखा है, लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 2 एफ एक्स इंटू जी टू। अब मैंने बोला एफ एक्स माइनस एफ ए बनाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली जी टू होना चाहिए और एफ टू होना चाहिए था माइनस में, तो माइनस जी टू एफ टू प्लस जी टू एफ टू माइनस जी एक्स इंटू एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू भी अब क्या किया, सेपरेट करके लिख दिया एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है हमारा, ये इसमें मैंने जी टू कॉमन लिया, आई हैव टेकन जी टू कॉमन, तो क्या बनेगा एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, और आगे हमारा लिमिट लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, दिस इज 1/4, और इधर हो गया प्लस एफ टू कॉमन। अच्छा एक काम करो, इधर माइनस एफ टू कॉमन ले लो, माइनस एफ टू कॉमन ले लो, तो इधर क्या बन जाएगा हमारा जी एक्स माइनस जी टू अपॉन एक्स माइनस टू,
अब दिख रहा है ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, दिस इज एफ डैश 2 एंड दिस इज जी डैश 2, तो फाइनली वी आर गेटिंग 1/4 जी 2, क्या बोला मैं इसको, एफ डैश टू माइनस एफ 2 इंटू जी डैश 2, बस अब इधर वैल्यूज रख दो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 जी 2, कितना है हमारा सी, एफ डैश 2 इज बी, तो बी सी हो गया है, बी सी माइनस एफ 2 इज ए, जी डैश 2 इज डी, तो आंसर इज हाफ टाइम्स बी सी माइनस ए डी, क्लियर है, इसलिए मैंने वो प्रूफ जो तुम्हें पहले दे दिया सो दैट तुम्हें ये ज्यादा अच्छे समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा अब इसको वैसे तो एक बहुत और भी शॉर्ट तरीका है कैसे कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा दो इसमें, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने एल हॉस्पिटल इसलिए नहीं बताया था फिर, नहीं तो इस पे कंसंट्रेट कम करते कुछ बच्चे, क्या बोला मैंने एल हॉस्पिटल लगा देते, 0/0 का फॉर्म है, एफ टू जी टू माइनस जी टू एफ टू अपॉन एक्स 0, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1/4 तो बाहर आई, ऑफकोर्स वो ई की पावर जो समथिंग दिया उसको तो हम पहले हटाएंगे बिकॉज वो बल्कि से था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, ठीक है ना, उधर भी लगा सकते हैं नो वरी, बट फालतू का बल्कि होगा वो डिफरेंशिएशन, ई की पावर समथिंग चेन रूल वगैरह लगेगा, तो बेटर है कि हम ई की पावर उसको हटा के पहले ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शॉर्टकट लगा के हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये ज्यादा आसान है। ऊपर क्या होगा डिफरेंशिएशन, एफ एक्स जी टू तो कॉन्स्टेंट है, जी टू इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश टू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1, तो देखो ये चीज तो आ गई, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, अभी इधर लिमिट x टेंड्स टू 2 तो क्या आएगा जी टू इंटू एफ डैश 2, तो जी टू इंटू एफ डैश 2 माइनस जी डैश 2 इंटू एफ 2 जी डैश 2 इंटू एफ 2 और 1/4 लिखा ही है, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल से ये और आसान हो गया, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना इसको, ठीक है ना, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। एल हॉस्पिटल का तो यूज वैसे करा करो एग्जाम में, बट जब प्रैक्टिस कर रहा ना शीट, ट्राई टू सॉल्व द लिमिट्स क्वेश्चन विदाउट एल हॉस्पिटल, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड में तुम नहीं लगा सकते एल हॉस्पिटल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल यू कैन नॉट यूज इन बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड में लिमिट का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलो हम अब वो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज लेट एफ डैश 3 इज इक्वल टू 5 और देन कैलकुलेट लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, सबसे आसान तरीका एज यूजल एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल से बहुत ही आसान से हो जाएगा, जैसे पहले एल हॉस्पिटल ही लगाते हैं, मैंने लगा डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, 0/0 का फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एफ डैश ऑफ 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से अंदर का 4x माइनस इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर, अंदर का डेरिवेटिव माइनस 8x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 8x, ये 4 नहीं 8x हुआ, ठीक है ना, 4 2 8 अपॉन 2x, 1x से ये x से ये x गया, ये 2 ये 4 और ये 4, अब लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ये कहां जाएगा f डैश 3 को, ये भी f डैश 3 को, तो 4f डैश 3 प्लस 4f डैश 3 कितना आ गया 8f डैश 3 और f डैश 3 क्या दे रखा है 5, तो 8 5 40, तो एल हॉस्पिटल से तो बहुत ही आसानी से आ गया। अब मैंने बोला कि विदाउट एल हॉस्पिटल इसको कोर करो, एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार इसको विदाउट एल हॉस्पिटल करो, अब मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है, इसको रब करके, ऑफ कोर्स एल हॉस्पिटल से भी सॉल्यूशन कॉपी कर लो, अब दिमाग का खर्च होगा विदाउट एल हॉस्पिटल में थोड़ा सा, तो अब सोचो कि मेरे पास ये टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दिस टर्म, हाँ मैंने बोला कि ये टर्म से मुझे एफ डैश 3 जनरेट करना है, ऐसा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, थॉट प्रोसेस हमारा, ठीक है, मैंने बोला कि इधर से मुझे एफ ऑफ 3 जनरेट होना चाहिए, तो कैसे करें, तो पहले मैंने एफ डैश 3 का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेशन लिख लिया, एफ डैश 3 क्या होता था हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स माइनस एफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3, एक तो ये होता है, प्लस एक हमारा हम
x is equal to a plus h, substitution से h को 0 की तरफ लेके आते हैं लिमिटिंग वेरिएबल को, तो उससे क्या होता है, दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब 3 प्लस h माइनस f 3 अपॉन h, ये भी होता है, बोथ आर इक्वल्स टू f डैश 3। ये कैसे आया, x को a प्लस h डाला, a प्लस h से मेरा मतलब 3 प्लस h, तो x को 3 प्लस h डालोगे तो x माइनस 3 विल बी h, x को 3 प्लस h f 3 रहा। अब देखो इसमें काफी कुछ सिमिलैरिटी है इन दोनों में, तो क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे इसमें कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो देखो क्या किया, अब क्लियरली देखना, देखो h इधर हमारा क्या टारगेट क्या होता है, जैसे f ऑफ 3 प्लस h, ये h 0 को जाना चाहिए, वही h इधर लिखा होना चाहिए, ये h और ये h सेम होना चाहिए। अब h की जगह मैं चाहे कुछ भी लिखूं बट वो चीज 0 को जाना चाहिए और वही चीज नीचे लिखी होनी चाहिए। कहने का मतलब f डैश 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 3 प्लस लेट्स से 11h स्क्वायर माइनस f 3 अपॉन 11h स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अल्टीमेटली वो जो 3 प्लस समथिंग लिखा है ना, वो समथिंग 0 को जाना चाहिए। कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे, सब्स्टिट्यूशन कर दो ना, मान लो मैंने इसमें ऐसे लिखा, इसमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लेट्स से h इज इक्वल टू 11t स्क्वायर, ऐसा कर दिया, h इज इक्वल टू 11t स्क्वायर लिखोगे तो इधर मेरा नया वेरिएबल कहां जाएगा, t 0 को जाएगा, ऑफ कोर्स h 0 को जा रहा है तो t 0 को जाएगा, और h इधर h की जगह 11t स्क्वायर है तो इधर 11t स्क्वायर आ गया, इधर भी 11t स्क्वायर आ गया। अब वेरिएबल का नाम t हो चाहे h हो, वही चीज मैं बता रहा था, समझ में आया, कीपिंग दैट इन माइंड। अब ये चीज है मेरे पास, अब मुझे f ऑफ a प्लस h माइनस f अपॉन h बनाना है, टाइप की चीज बनानी है, f ऑफ 3 प्लस समथिंग, तो मैंने क्या किया, f 3 चाहिए मुझे तो प्लस माइनस f 3 कर दिया न्यूमरेटर में, तो देखो क्या बनेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस f 3, ऑफ कोर्स जब माइनस किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे हम, तो मैंने कैसे लिखा उसको, माइनस ऑफ और दूसरे वाले को ऐसे लिखा f ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस f 3, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर, चलो x स्क्वायर को भी सेपरेटली लिख देते हैं अभी एक इसी स्टेप में, सो दिस इज x स्क्वायर दिस इज x स्क्वायर। अब देखो सही लिखा है नहीं, इधर माइनस f 3 और ये बेसिकली माइनस ऑफ माइनस प्लस f 3, तो f 3 नलीफाई हो गया, तो जो जो ऊपर लिखी है वही ये लिखी है। अच्छा अब मैंने क्या बोला था, इधर इसके ये 0 पे जा रहा है तो 3 प्लस समथिंग है, वो समथिंग 0 को जाना चाहिए था, x 0 पे जा रहा है 4x स्क्वायर 0 पे जा रहा है, बट अभी एट प्रेजेंट वो उधर 4x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर है, बट मैंने बोला वो समथिंग वाला पार्ट है 3 प्लस समथिंग, वो सब सेम होना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल टू मेक इट सेम 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इतने पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज अब मेरी क्या बन गई, दिस इज वॉट माई f डैश 3, तो 4f डैश 3 आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलो अब मैंने बोला इधर आते हैं, अब इधर क्या लिखा है f of 3 plus something, अब इधर something क्या है minus 4x square, minus 4x square, इधर x square है तो minus 4 की कमी है, तो इधर क्या किया minus 4 से multiply किया, तो ये plus 4 हो जाएगा, ये minus 4, अब अगेन ये चीज क्या हो गई f dash 3, तो plus 4 f dash 3, तो ultimately 8 f dash 3 which is equal to 8 5 of 40, so this is my answer, clear हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, नहीं तो एक काम करता हूँ होमवर्क के लिए दे देता हूँ वो, ठीक है, तो और उसको भी तो मैं एल हॉस्पिटल से नहीं करना, ठीक है, एल हॉस्पिटल से करना है मतलब कर लेना वेरीफाई करने के लिए आंसर, बट मुझे आंसर चाहिए सोल्यूशन विदाउट एल हॉस्पिटल, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, बाकी तो यही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी का है। देखो लेट टेंजेंट ड्रॉन टू द वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट टेंजेंट drawn to y is equal to fx, इसको भी नोट्स में कॉपी करना है, एट 2, √3 makes an angle 60 degree with positive direction of x axis and that of y is equal to gx and that of y is equal to g of x at b:2,1 makes an angle
45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना. देन इवेल्युएट द लिमिट, देन इवेल्युएट इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 f ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस रूट 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ठीक है ना. तो इसको तुम्हें करना है. एंड अगेन एयर हॉस्पिटल से नहीं करना है, करना है मतलब वेरीफाई करने के लिए, यू कैन चेक इट आउट, बट आई वॉन्ट द सोल्यूशन विद विदाउट एयर हॉस्पिटल, दैट इज यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों. तो दिस फिनिशेस योर डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर. कुछ पार्ट जैसे एक होता है इसमें डिफरेंशियबिलिटी में कहीं कहीं वो क्वेश्चन आते हैं फंक्शनल रूल वाले, तो वो मैं डिफरेंशिएशन में एक साथ लूंगा, बिकॉज उधर कुछ बताना है, उसके बाद ही वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. तो दैट्स इट अभी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.